नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। पहले तो लॉकडाउन में शादी की खबर ही अपने आप में खास है। उस पर शादी अनूठी तब हो जाती है जब युगल अग्नि को नहीं संविधान को साक्षी मानकर अपना हम सफर चुने। मध्य प्रदेश में संविधान की प्रस्तावना की शपथ लेकर युगल ने एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुना। इस लॉकडाउन में शादी समारोह में वैसे न बैंड बाजा दिख रहा है और न ही कोई तामझाम। यहाँ तो वह पंडित भी नहीं दिखा जो रीति रिवाजों को बताकर सात फेरों का मतलब समझाकर एक दूसरे को शादी के बंधन में बांधते हैं। शादी समारोह में महज 8 से 10 लोग ही शामिल हुए और सादगी से विवाह संपन्न कराया गया। मध्य प्रदेश के सीहोर में मालवी बलाई समाज माता मंदिर के सभाकक्ष में गुरुवार को लॉकडाउन के नियमों और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन करते हुए यह विवाह संपन्न कराया गया। इस अनूठी शादी में मंदिर समिति के अध्यक्ष रामकिशन मालवी के द्वारा समारोह में शामिल समस्त पारिवारिक सदस्यों को पहले सैनिटाइजर से हाथ धुलाए गए, फिर सभी को मास्क भेंट किए गए। उसके उपरांत वर्द धर्मेंद्र मालवी, उसके पिता रमेश चंद मालवी, वधु आरती मालवी, वधु के पिता भागवत सिंह मालवी ने पहले संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर के छाया चित्र पर माल्यार्पण किया। इसके बाद वर वधु ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। इसके बाद युगल को पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलवाकर वैवाहिक जीवन की सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वहन का वचन दिया गया। उप जिलाधिकारी की अनुमति से हुई शादी। कोरोना के चलते इस समय शादी विवाह आगे की तिथि को टाल दिए गए हैं या जो हो रहे हैं वह शासन प्रशासन की अनुमति से हो रहे हैं। इसलिए इस विवाह की भी अनुमति पहले स्थानीय प्रशासन से ली गई थी, जिसके बाद यह शादी संपन्न कराई गई। इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए बहुत ही सादे कार्यक्रम में विवाह कराया। विवाह कार्यक्रम को सफल बनाया, जिसमें मुख्य रूप से राहुल मालवी, धन सिंह मालवी, बबली मालवी, राजेंद्र मालवी मुख्य रूप से उपस्थित थे।